मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइज अभी हो रहा टाइम सुबह के 11 बजे और ब्लॉगिंग अपनी अभी स्टार्ट हो रही है बिकॉज और आपने नोटिस किया होगा कि दो तीन मतलब दिन से ब्लॉग वीडियो नहीं डाल पा रही बिकॉज हमारे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब बारिश वारिश की वजह से हमारा जो टीन था ना, टीन सेट आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो वो उड़ गया। मतलब ऊपर से रखा था, ऊपर तार है, इस वजह से कोई किसी कुछ रखा नहीं था, ऐसे ही जमा दिया था उसको, बट वो उड़ गया ठीक। इस वजह से मतलब वो हट गया, तो थोड़ा मतलब काम वाम था घर में, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो आज ब्लॉग शूट हो रहा है और अभी कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई तुम्हारी वीडियो में आवाज़ मतलब कम आता है, बहुत आवाज़ धीरे मतलब धीरे बोलते हो क्या ऐसे करके, बट धीरे नहीं बोलता। हाँ बोलता हूँ बट उतना धीरे नहीं बोलता कि मतलब आप लोगों को सुनाई भी ना दे, बट फिर भी मतलब नहीं सुनाई देता। पता नहीं मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम कि पता नहीं मैं धीरे बोलता हूँ, लेकिन मैं तेज़ बोलता हूँ ये मेरे को मतलब वो है। तो क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों ने भी बोला था भाई तू थोड़ा तेज़ बोले कर वीडियो में, तेरी आवाज़ नहीं आती क्लियर है ना ठीक। तो मैंने फ्लिपकार्ट से एक माइक ऑर्डर किया था, वो अभी गया, अभी आया जस्ट एकदम अभी। वो माइक कितने का पड़ा मैं बताऊँगा आपको, रुको। ये है वो माइक ठीक। तो गाइस ये है माइक, ये है 152 का, मतलब 152 रुपये का है ये, मतलब कम का ही मंगाया बिकॉज मेरे पास पैसे उतने नहीं थे कि मैं अब 800 का बॉयर का वो माइक मंगाऊँ, इसलिए ये मैंने मंगाया। और अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया ठीक, और जस्ट अभी आया, एकदम अभी आया और मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ ठीक। तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा और कुछ मतलब मेरे दोस्तों लोगों ने भी कहा था कि भाई तुम्हारी वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं आती। और आप लोग वीडियो मेरी देखा होगा तो आपको आपने नोटिस किया होगा कि हाँ मेरी वीडियो में बहुत कम आवाज़ आता है, इसलिए मैंने ये माइक मंगाया बिकॉज मेरे को पता है कि हाँ अभी यूट्यूब का पेमेंट नहीं आ रहा फिर भी, बट हमने कुछ चीज़ शुरू किया है तो उसमें थोड़ा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, मालूम है कि हाँ पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब की तरफ से, तो मैंने इसलिए मैंने कम रेट वाला ये वाला मंगाया ठीक, कम रेट वाला मंगाया कि अभी इससे ही करेंगे, जब अच्छा पैसा आएगा यूट्यूब की तरफ, जब हमारे पास पैसे होंगे तो अच्छा माइक लेंगे ना, और सब चीज़ लेंगे यार, आप लोगों की सपोर्ट रही तो ठीक है। तो इसको ट्राई करेंगे ठीक कि कैसा आवाज़ आ रहा कैसा नहीं। और हमारे घर पे ना आज दो छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान आए ठीक, तो उनको दिखाता हूँ ठीक कौन आया है। तो कहाँ हैं हमारे मेहमान छोटे छोटे, इधर आओ, कहाँ हो? ये देखो गाइज, ये देखो कौन आया है हमारे घर पे, ये आए छोटे छोटे मेहमान ये। तो गाइज ये आया हमारे घर पे छोटा मेहमान जो खरगोश के बच्चे हैं, तो खरगोश मतलब तो खरगोश हैं, बच्चे तो नहीं है वैसे, इतने बड़े बड़े हैं ये है ना। तो ये है मान एक ही है, अभी एक को मतलब अंदर है वो, मतलब बैठा हुआ है तख्त के नीचे और वो नहीं निकल रहा, वो भाग जाता है छोड़ पकड़ने जाते हैं। तो ये खरगोश है और देख सकते हो बहुत क्यूट है, देख रहे हो कैसे बहुत खतरनाक ही काटता भी है ये गाइस, काटता भी है, इसको ज़्यादा गुस्सा दिला दो काटने लगता है, और इसको ज़्यादा मतलब इसको कुछ खिलाओ तो ये काटने पड़ जाता है, देख रहे हो कैसे कर रहा है। और इनके बाल झड़ रहे हैं, इधर इसको रखते हैं देखो सीढ़ी पे, ये देखो गाइस इनके बाल, ये बाल बाल कैसे हैं। तो गाइस ये है और इसका गुस्सा दिखाता हूँ, देखो ये नीचे से निकाल के लेके आया ना, तो इसको देखो ये देखो क्या देख रहे हो ये थोड़ा सा इसको जाओगे देखो, ये देखो कैसे काटने पे आता है ये बहुत, ये देखो देखो नींद आ रही है आपको भाई गुस्से में लग रहा है देखो इसकी आंखें कैसे, कैमरे में कैसे लाल लाल दिख रही है, वैसे तो काली इधर दिख रही है मेरे को बट कैमरे में देखो कैसे लाल दिख रही है गाइस, ओ भाई गुस्से में गुस्सा बहुत तेज होता है ये, बहुत जल्दी मतलब गुस्सा आता है इसको, देख रहे हो ओ मेरा प्यारा प्यारा मेहमान, ओ मेरे प्यारे प्यारे मेहमान, ये देखो गुस्सा हो उसको भी लेके आता हो तेरे सीढ़ी पे उधर रखा है। तो ये देखो कैसे ढूंढ लिए इसको, देखो ढूंढ लिए कि कहाँ गया वो दूसरा वाला देख रहे हो गाइस, तो इसको भी लेके चलते हैं बाहर को ठीक, ये ढूंढ दिए उसको और इनको। तो गाइस दोनों को निकाल दिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, और अभी सोच रहा हूँ मैं कि दोनों को नहला दूँ बिकॉज इन लोगों ने अपना ना ये जिसमें हम रखते हैं दिखा रहा हूँ रुको आप लोगों को, यहाँ पे रखा है मैंने धोने के लिए बिकॉज इनको भी नहलाना है और ये भी धोना है क्योंकि इसमें लोग बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो इसमें थोड़ा स्मेल आता है, तो नाइट के टाइम इसमें रखते हैं
बिकॉज बिल्ली बिल्ली का डर रहता है कि हाँ गेट खुला रह गया तो इनको लेकर चली जाएगी बिल्ली और बना देगी चिकन बिरयानी, नहीं खरगोश बिरयानी सॉरी, है ना। तो इसमें इन लोगों को धोएंगे और ये भी मतलब साफ़ कर देंगे, स्मेल स्मेल ना आए। तो ये देखो इनको यहाँ पे बैठे हैं ये दोनों। हेलो हेलो, इसको तो टीका कर रखा है दादी ने। तो ये देखो, काटना नहीं काटना नहीं, बहुत मारूंगा, काटना नहीं, डर भी लगता है मेरे को तो इनसे छोटे से। तो इनको नहलाते हैं, उठाते हैं और इसमें रखते हैं इनको। ओ भाई इधर रखो इसको, तो इसको भी इसी में रखते हैं, दोनों को नहलाएंगे। नहला अपने तो ना तो गाइस ये देखो भागने की कोशिश कर रहा हूँ, नहला रहा हूँ तो इसको पानी चला के अभी इसको नहलाएंगे अच्छे से। अभी भाग वो खरगोश नहीं ऐसी बैठी है गाइस, लेकिन खरगोश ये भागने में बहुत तेज है ये। तो मत तो गाइस बैठे हुए दोनों को दोनों, तो ये भागने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा, ये भागने की कोशिश करता है, पकड़ पकड़ के बार बार लेके आ रहा हूँ इसको। तो उसको नहलाते हैं, वो नहीं भाग रहे हैं, वो नहीं भाग रही है, शांति से बैठी है, बिल्कुल शांति। अब इसे भाग गया, चल दे, वो कहाँ गई? वैसे मैं तो इसको अच्छे से नहला दिए दोनों को, अच्छे से तो नहीं लेकिन नहला दिए, भाग रहे हैं इसको। तो इनको दोनों को ऊपर लेकर चलते हैं, चल इसको नहलाते हैं, देखो कितना अच्छे से बैठ गए, गर्मी में जितना नहला इनको ठीक ही लगता है। तो नहलाते हैं इसको अच्छे से, भाई वो तो भाग गया। तो गाइस नहला दिया, एक तो भाग गया और एक है इधर देखो कैसे रखा हुआ है। तो इसको ऊपर लेके चलते हैं छत पे, थोड़ा मतलब सूख जाए वो, उसका डब्बा भी सूख जाए और ये लोग भी थोड़ा सूख जाए, इस वजह से ऊपर लेके चलते हैं धूप में। तो गाइस ले चलते हैं इनको, डब्बा उठा के ही लेके चलेंगे इसमें, देख रहे हो कैसे कर रही कैसा लगा नहा के, कैसा लगा? डर भी लगता है कि काटना ले कहीं कैसा लगा? ओ तिलक मिटक गया इसका। तो ऊपर लेके चलते हैं गाइस, ऊपर गाइस इनको लेके चलते हैं ऊपर। तो इसको यहाँ पे रखते हैं इसको। तो गाइस इधर इसको रखा है और इधर मम्मी ने अचार डाल रखा है अचार बनाने के लिए। तो देखो अभी तुम्हारा सुखी सुखी होगा, सुखी सुखी नहाई नहाई हो गया है तो अभी तुम्हारा सुखी सुखी होगा, मतलब सुख जाओगे। ओ बाल जो है इसके अच्छे से वो हो जाएंगे, शैम्पू से नहीं नहला पाया बिकॉज ये देखो एक को पकड़ने के चक्कर में एक भाग रहा था, एक भाग रहा था, एक पकड़ो तो एक भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से तो वीडियो बनाने दिया इन लोगों ने। तो इसको इन लोगों को इस वजह से इसमें रखते हैं, नाइट के टाइम रखते हैं गाइस, क्योंकि दिन के टाइम तो ऐसे नीचे तखत के नीचे रहते हैं ठंडे के मारे,
तो नाइट, दिन का तो हम जगह रहते हैं तो इस वजह से खुला रखते हैं, नाइट को इसमें रखते हैं इस वजह से क्योंकि बिल्ली का डर रहता है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं और इसके अंदर रख देते हैं क्योंकि इनकी भी सेफ्टी ज़रूरी है, तो इसलिए तो ये गंदा कर देते हैं इसमें, और दिन को हम ऐसे ही रखते हैं इसको, तो इसमें कभी मतलब इसको खड़ा ऐसे करके रखते हैं, इसमें जाके बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह कर देती हैं तो गंदा हो जाता है ये, तो इस वजह से इसको भी धो दिया, स्मेल नहीं आ रहा इसमें से अभी, और इसका भी सूखी सूखी होगा तो इसको लेके चलेंगे नीचे। भाई ये देखो कैसे ढूंढ लिए, इधर तो देख रही थी ऊपर चढ़ के, इधर चढ़ रही थी उधर चढ़ रही थी इधर देख रही थी, और ये अपने ना जीप से चाट चाट के इसके अपने बालों को मतलब सुखा रही थी ऐसे करके, तो नीचे लेके चलते हैं, वैसे ही गर्मी बहुत है सूख ही जाएंगे खुद ही। तो गाइस दोनों इसको नीचे लेके आ गया, और उसको देखो वो भी ऐसे सुखा रहा है खुद ही अपने आप, इसको देखो मज़ा आया नहाई नहाई करके, ये देखो गाइस वो तो अपने खुद ही सुखा रहा है, वो भी ढूंढ रहा है इसको कहाँ आए हो, तो देखो कैसे सुखा रहा है वो खुद ही, वो बहुत तेज़ है, वो काटता भी है, वो खरगोश है, वो खरगोश है, ये खरगोश नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम सुखाने के लिए रख देते हैं इसको, तो इसको लेकर चलते हैं छत पे। हटना आराध्या, देखो आराध्या नहा वहा के रेडी हो गई, अभी गर्मी है ना बहुत, सब नहाने में लगे रहते हैं, तो इसको छत पे रख देते हैं सूख जाएगा ही, तो इसको हम इधर रख देते हैं ऐसे सूख जाएगा कुछ देर के बाद, फिर नीचे लेके चलेंगे। तो गाइस वो तो सूखने के लिए रख दिया है हमने, और तो गाइस इस वीडियो करते हैं एंड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।